तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल करके बैठो, क्यों तुम्हें तो खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में ही रहना है। जब खाते पीते चलते फिरते याद में रहना है तो उस समय आंख बंद करके थोड़े ही खाएंगे, चलते रहेंगे आंख बंद करके थोड़े ही चलेंगे। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, याद हमारी ऐसी नेचुरल बने उसके लिए अभ्यास भी ऐसा करें जो हमें नेचुरलिटी में काम आता रहे। बाबा ने यही कहा कि आंखें बंद करके याद में नहीं बैठो, खोल के बैठो। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? आंख बंद करना तो भक्ति मार्ग वाले करते हैं, हमें तो बाबा ने कितनी ऊंची नॉलेज दे दी है। प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए दर दर धक्के क्यों खाते हैं? क्यों मनुष्यों ने भगवान को तो सर्वव्यापी कह करके खुद बहुत धक्के खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। है भी सर्वव्यापी, तब तो जहाँ भी जाओ मिलना चाहिए, परंतु सर्वव्यापी कह करके और खुद ढूंढते ही रहते हैं, आखिर व्यापक भी कहाँ है। सर्व बाबा फिर कहते हैं, जब सर्वव्यापी है तो मिलेगा कहाँ से? फिर कह देते हैं, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। अब इसका भी उत्तर है, जब नाम रूप से ही न्यारा है तो तुम्हें मिलेगा कैसे, और फिर ढूंढते किसको हो? जब रूप का ही पता नहीं, नाम भी नहीं, तो न नाम से पुकार के ये ढूंढ सकते, न फिर रूप याद है तो फिर ढूंढ सकते। इसलिए ही दर दर धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का तो अब ये दर दर भटकना छूट गया है। तुम बच्चे निश्चय से कहते हो, बाबा हमारा परम धाम से आए हैं और हम बच्चों से इन ऑर्गन्स के द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। बाबा ने कहा है ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप के याद में बैठे हैं, ये किसने कहा और किसको कहा? मीठे मीठे बच्चे बाप के याद में बैठे हैं, ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों को, आत्माओं अपने बच्चों को कहा, अर्थात आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन्स के द्वारा सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, क्या कहा बाबा ने? बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो, बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है, उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद तो रहती ही है, आंखें बंद करने की तो दरकार ही नहीं।
आत्मा जानती है कि मेरा बाप अभी इन ऑर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, मेरा बाप परम धाम से आए हैं, इस सब पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सब ये बुद्धि में है। अगर ये बात बुद्धि में है तो आंखें तो खुली हुई होनी चाहिए। बाबा बात करते हैं और तुम बच्चे सुनते भी हो और याद में भी रहते हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उसका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वो तो बदलता रहता है। एक शरीर लिया फिर छोड़ा, तो फिर दूसरा शरीर लिया, तो नाम भी फिर बदल करके दूसरा पड़ेगा। परंतु आत्मा का नाम बदलता नहीं है। तो बाप भी कहते हैं, मैं भी तो आत्मा हूँ, परमात्मा, तो मैं भी तो आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं आत्मा, परम धाम में रहने वाली परम आत्मा हूँ, इसलिए मुझे सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है। आत्माएं ऊंच भी है तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई है पुण्यात्मा और कोई है पापात्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो नहीं सकती। जैसे आकाश है, आकाश कोई चीज तो है नहीं, पोलार ही पोलार है। परंतु देखो उनका भी नाम तो है ना, आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वो भी तो पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर है आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। वो भी आकाश है जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं। ये तीन तत्व है, आकाश तत्व, फिर उनसे ऊपर सूक्ष्म, फिर उनसे ऊपर ब्रह्म महतत्व, स्थूल सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश के अंदर खेल होता है, वहां तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको फिर ब्रह्म तत्व कहते हैं, इसलिए उसको महतत्व बोल दिया है। वहां आत्माएं निवास करती है, वो है ऊंचे ते ऊंच। तीन लोक अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे भी कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है, ऐसा ही कहेंगे। जिस पानी पर, जिस पर पानी ठहरता है, बाकी ये है तीन लोक, साइलेंस, फिर मूवी, फिर ये टाकी। ये शिव बाबा बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना होता है? नहीं, दूसरे लोग
आंखें बंद क्यों करते हैं, क्यों कोनों को आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारे है, एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारे हैं, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में परमात्मा है, फिर तीसरी बात कहते हैं वो तो 24 अवतार लेते हैं, कच्छ मच्छ अवतार भी परमात्मा के लिए कहते हैं। वास्तव में ये सब बातें हैं झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह करके कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग तो है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। कौन बोलता है? बाप कहते हैं मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। सब में व्यापक है, फिर 24 अवतार है तो मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भगत भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से इन धक्के खाने से बचाओ। आप मिले नहीं, यहाँ आकर के मिलते हैं। जब यहाँ आकर के मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। माताएं जब मिलती थी ना बाबा से तो ऐसे रोते रोते ऐसे बोलती थी बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप तो मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए, बाबा पूछते हैं उनसे। बाबा ये तो हमें पता नहीं, अभी तुम्हें बाप समझाते हैं। ज्ञान से ही तो सदगति होती है। देखो मनुष्य कुंभ के मेले पर भी कितने धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर के स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है, वास्तव में है आत्मा और परमात्मा का मिलन। परंतु भक्ति में फिर लोगों ने वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वो है पानी में स्नान करने का मेला। कई मनुष्य इन बातों को मानते नहीं है, कई मनुष्य इन बातों को मानते हैं और कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को किसको भी मानते नहीं, बस समझते हैं मनुष्य पैदा हुआ है फिर मरना है जरूर। नेचर ही ऐसी बनी हुई है, अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत, स्त्री की मत अपनी, पुरुष की मत अपनी, और मत हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों को श्री मत मिल रही है, गाया हुआ भी है श्री मत भगवानो वचन, उनकी मत से ही तो तुम अभी मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवता धर्म अभी नहीं है, उनकी निशानियां है, ये चित्र सब उनकी निशानियां है, जिससे सिद्ध होता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवताएं सृष्टि पर राज करके गए हैं, पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की, उनके चित्र पुराने पुराने। लोग आगे तो पुराने पुराने चित्र लेके जाते थे, क्यों कोनों को बहुत वर्ष हो गए है ना, तो ऐसे समझ के पुराने चित्र लेते थे। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता है।
श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्य का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण मनुष्य तो उनको द्वापर में ले गए हैं, उसी नाम रूप से तो द्वापर में आ नहीं सकते। वो जो चैतन्य था, श्री कृष्ण जो चैतन्य था, उनके जर चित्र यहाँ है, परंतु वो आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते हैं। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेती है, अभी यहाँ ही पाठ बजा रही है, भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाने आई है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग, दूसरे जन्म में सब भिन्न हो जाते हैं, सब बदल जाते हैं दूसरे जन्म में। अब बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, किस लिए? फिर हम जा कर के 100 देवी देवता बनेंगे, फिर हमारे जन्म सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वो उस समय में सत्युग में गर्भ जेल नहीं है, वहाँ तो गर्भ महल है, यहाँ गर्भ महल में, यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है बहुत। तब कहती है बस अभी बहुत हुआ, अभी हमें इस गर्भ जेल से बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर आने से माया का राज होने के कारण फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में, सत्युग में तो गर्भ महल में जैसे आराम से रहे पड़े हैं, तो इसलिए बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र आदि का सार अभी मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर अभी समझाते हैं। देखो कुंभ मेले पर बहुत स्नान करते करने जाते हैं, बहुत भीड़ होंगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वास्तव में वो कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का ही, गंगा जमुना और कहते हैं सरस्वती गुप्त है, ये तो नदियों की ही बात करते हैं। बाबा कुंभ के मेले पर, कुंभ के मेले, बाबा कहते हैं कुंभ के मेले पर बहुत भीड़ होती है, इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, वास्तव में वो कोई संगम नहीं है, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो सब नदियों का ही संगम है, दो नदियां वास्तव में देखने में तो दो ही नदियां आती हैं, और वो तो कह देते हैं कि तीसरी नदी गुप्त है, सरस्वती बोलते हैं ना, गुप्त है, गंगा जमुना और सरस्वती। बाबा कहते हैं अभी गुप्त नंदी तो कोई होती नहीं है, इसलिए है ही दो नंदियां, देखने में भी दो ही आती है, एक का पानी सफेद एक का मैला दिखाई देता है, और तो कुछ दिखाई नहीं देता है, गंगा और जमुना है, तीन नहीं है। संगम भी नहीं है, संगम भी बाबा कहते हैं नहीं कहेंगे, संगम तो कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, नाव में बैठ करके उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है बहुत बड़ा,
कितनी मेहनत करते हैं, अमरनाथ पर उधर से चरके नाव में चरके जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब देखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्राएं भी करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की ही मूर्ति है, वो तो घर में भी तो मूर्ति रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकारी क्या है। लेकिन ये भी धक्के खाना ड्रामा में नूंद है। देखो त्रिवेणी पर भी तो जाते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। कोई कोई को ये भी मालूम नहीं है, कोई कोई को ये भी मालूम नहीं है कि नदियां कहाँ से आती हैं, पहाड़ों से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बाबा बरसते हैं, उन दिनों में बाबा कभी छोटी छोटी बच्चियों से, हम सब तो छोटे ही थे ना, तो कभी कभी किससे पूछ लेते थे, तो क्या बताएंगे, छोटी अजन स्कूल में तो इतना कुछ पढ़े ही नहीं, तो कुछ बता नहीं सकती थी। तो बाबा कहते हैं जानती नहीं है,